ये कहानी एक 12 साल के बच्चे की है जो अपनी ही सौतेली माँ के साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1972 में रिलीज हुई व्हाट द पीपल सॉ मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आपका कीमती टाइम वेस्ट किए बिना मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत सारा को दिखाया जाता है जो अपने बाथरूम में बाथटब में नहा रही थी, लेकिन तभी उसे करंट लग जाता है और करंट लगने की वजह से बाथटब में ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी सीधे एक साल आगे बढ़ जाती है और हमें एक औरत एलिस को दिखाया जाता है। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ होती है और सारा, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में मरते देखा था, वो पॉल की पहली वाइफ थी। पॉल का बेटा मार्कस एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और अब उसकी छुट्टी होने वाली थी, इसीलिए पॉल एलिस को कॉल करके इस घर में भेजता है। मार्कस की छुट्टी कुछ दिनों बाद होने वाली थी, लेकिन जब वो घर पर आती है तो वो देखती है कि मार्कस पहले से ही घर पर आया हुआ है। वो मार्कस से पूछती है कि तुम्हारी छुट्टी कुछ दिनों बाद होने वाली थी तो तुम अभी कैसे आ गए। तभी मार्कस उसे बताता है कि हमारे स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया था, जिस वजह से हम सबको पहले ही छुट्टी दी गई। मार्कस की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन वो बातें ऐसे करता था जैसे कोई बड़ा आदमी बात कर रहा हो। अगले दिन एलिस को पॉल का कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे मार्कस से बात करनी है। मार्कस पॉल के साथ बात करके फोन एलिस के हाथ में दे देता है। जब एलिस पॉल से बात कर रही थी तो मार्कस उसे गंदे तरीके से छूने लगता है, जिस बात पर एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे हमें पता चलता है कि मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है। उसका स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। एलिस मार्कस के करीब आने के लिए उसका बहुत ख्याल रखती है। अब उन्हें साथ में कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पॉल भी वापस आ जाता है। मार्कस और एलिस पॉल को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। फिर जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, एलिस ड्राइव कर रही थी, तभी पॉल एलिस को टच करने लगता है, जिससे एलिस का ध्यान हट जाता है और उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन एलिस बहुत मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल कर लेती है और घर पर आकर पॉल और एलिस इंटीमेट हो जाते हैं। मार्कस को चाइनीज खाना पसंद था, इसीलिए पॉल और एलिस रात में उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में ले आते हैं, जहां पर पॉल उनसे कहता है कि मेरी तिजोरी में से कुछ पैसे गायब हैं। एलिस कहती है कि वो पैसे मार्कस ने निकाले थे जब वो स्कूल से घर था, तो टैक्सी को पे करने के लिए उसने तुम्हारी अलमारी में से पैसे निकाले थे। मार्कस कहता है कि मैंने सिर्फ 300 ही निकाले थे, लेकिन लास्ट में यहाँ पर पैसे निकालने का इल्जाम एलिस के सर पर आ जाता है। अब खोए हुए पैसों का पता लगाने के लिए एलिस घर आकर मार्कस के रूम की तलाशी लेती है। वो वहाँ पर हर अलमारी को चेक करती है, उसे वहाँ पर पैसे नहीं मिलते, लेकिन एक फटा हुआ लेटर मिल जाता है जिसे वो जोड़ कर पढ़ लेती है। इसके बाद जब पॉल और मार्कस पूल में नहा रहे थे, तभी मार्कस पॉल से कहता है कि एलिस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती, वो मुझ पर शक करती है और उसने मेरे रूम की तलाशी भी ली थी। इस बात को पॉल बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, क्योंकि मार्कस अभी एक बच्चा था, लेकिन इन दोनों की बातें एलिस भी सुन लेती है। अंदर आने के बाद पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मार्कस के रूम की तलाशी ली थी, लेकिन एलिस उसे कुछ भी नहीं बताती। एक दिन एलिस मार्कस के बारे में पता लगाने के लिए उसके स्कूल में आती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उनकी छुट्टियां अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। स्कूल के आसपास जो भी बिल्ली भटकती है वो उसे मार देता है, और स्कूल के आसपास जो भी कपल्स रहते हैं वो उनके घर में झांकता रहता है। स्कूल में उसे पता चलता है कि उनके घर पर एक लेटर भी भेजा गया था, लेकिन वो लेटर मार्कस ने फाड़ दिया था और उसी के टुकड़े वहां पर एलिस को मिले थे। अब रात में एलिस पॉल के साथ एक घर में पार्टी के लिए आती है, जहां पर एलिस को एक औरत मिलती है जो कहती है कि वो पॉल की पहली बीवी सारा की बहुत अच्छी दोस्त है, और सारा की मौत बाथटब में करंट लगने की वजह से हुई थी, और उसकी मौत के बाद पॉल ने ये घर उसे भेज दिया था, यानी जिस घर में वो अभी रह रही थी उसी में सारा की मौत हुई थी, और सारा की मौत के बाद पॉल ने यह घर इसी औरत को बेचा था। अब एलिस को ये लगने लगा था कि सारा को मार्कस ने ही जान से मार दिया। इस बारे में वो पॉल से बात करती है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे बेटे पर शक करती रहती हो, वो अभी बच्चा है,
वो कैसे किसी का कत्ल कर सकता है। इस बात पर इन दोनों के बीच एक आर्गुमेंट हो जाता है। एक रात में एलिस किसी काम से घर के एटिक में जाती है, जहाँ पर उसे कुछ सामान ढूंढना था। वहाँ पर उसे फर्श में एक होल दिखता है, जहाँ से उसका बेड नजर आ रहा था। उसे पता चल जाता है कि मार्कस पॉल और एलिस को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। वो उसी वक्त मार्कस के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तभी मार्कस उसे बताता है कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सारा को देखना भी अच्छा लगता था। तभी मार्कस उसे कहता है कि सारा को देखना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। एलिस उससे पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई। मार्कस उसे बताता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा। एलिस कहती है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी, लेकिन मार्कस मना कर देता है। मार्कस कहता है कि मुझे तुम चाहिए। इसी बात पर एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतार देती है और एक एक करके मार्कस भी उसके सवालों का जवाब देता है। मार्कस उसे बताता है कि सारा को एक हार्ट प्रॉब्लम थी और ये सब मुझे डॉक्टर के एक लेटर से पता चला, लेकिन मैंने ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। एलिस को लग रहा था कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पॉल जब घर आता है तो एलिस उसे एटिक में ले जाती है और वहाँ पर उसे वही होल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई होल होता ही नहीं है। एलिस पॉल को बताती है कि मैंने यहाँ पर एक होल देखा था, जिसके जरिए मार्कस हमारे कमरे में देखता था, लेकिन पॉल को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो सोचता है कि शायद एलिस अब पागल हो चुकी है, लेकिन एलिस अभी भी मार्कस पर शक करना बंद नहीं करती। उसे पूरा भरोसा था कि मार्कस ने ही सारा को मार दिया है, इसीलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चलता है कि मार्कस ने सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगाया था, जिस वजह से सारा जब नहाने गई तो उसे शॉक लग गया और वहीं पर बाथटब में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब एलिस घर आती है तो वो मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा। तभी मार्कस उसे बताता है कि सारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता है, और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सब सुनने के बाद एलिस पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और अब वो पागल होने लगती है। इसलिए पॉल उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा देता है, जहाँ पर वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और कुछ महीने गुजरने के बाद वो ठीक होकर वापस पॉल के पास आ जाती है। एलिस पॉल के साथ एक पार्क में घूमने के लिए आती है, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे और मार्कस अपने डॉगी के साथ खेल रहा था। इसके बाद जब एलिस मार्कस के साथ बातें कर रही थी, तभी मार्कस उसे बताता है कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एलिस भी उसके साथ अजीब बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि हम लोग पॉल को मारकर कहीं दूर चले जाते हैं। इसके बाद एलिस मार्कस को एक किस भी करती है और वो उसके हाथ से डॉग का टॉय छीनकर सड़क पर फेंक देती है, जिसके पीछे पीछे डॉग भी चला जाता है। वहाँ से गाड़ियाँ तेज चल रही थी। मार्कस अपने डॉग को बचाने जाता है, लेकिन एक गाड़ी वाला उसे ही टक्कर मार देता है, जिस वजह से मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।